तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो पावर पॉइंट है कुछ फोटोज, तो सेकंड पावर पॉइंट अगर थोड़ा सा दिखाएंगे, थोड़ा सा आपके सामने एक प्रूफ के नाते ये होगा। आप सेकंड को दिखाएंगे तो जरा शायद ठीक रहेगा। मैंने ज़्यादा डिस्क्रिप्शन करना नहीं चाहता हूँ, मुझे लगता है कि कुछ आप थोड़ा पढ़ भी लेंगे और थोड़ा फोटोज भी आए वो देख लेंगे तो ठीक रहेगा। अब आगे बढ़ते जाइए, ठीक है आगे। टेररिज्म, एथनिक क्लिंजिंग, किडनैपिंग एंड ट्रैफिकिंग ऑफ आवर गर्ल्स, ये जो 20,000 है यार, ये यूएनओ का किसी बॉडी ने कुछ सर्वे किया था उससे ये नंबर आया है। अभी आपको पता है कि अभी पिछले साल दुर्गा पूजा के समय वर्धमान खागड़ागढ़ में बड़ा विस्फोट हुआ था और उससे सारे लिंक निकल के आया था कि कहाँ कहाँ मद्रासों में ये टेररिज्म का ट्रेनिंग दिया जा रहा था, ये सब आया था। ये डेमोग्राफी मैंने बताया कि 3 डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम बहुल बन चुका और 100 से अधिक ब्लॉक्स या तालुका वो वहाँ हिंदू माइनॉरिटी हो चुका। एक मिनट, आप थोड़ा पीछे का स्लाइड में आइए। वो स्ट्रगल में हमने जो बताया अभी 30% मुस्लिम हो गया, लेकिन ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो है ना इसमें मुस्लिम कम है, ये बांकुड़ा, पुरुलिया एंड वेस्ट मिदनापुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट को अगर छोड़ दे तो शेष बंगाल में ही वो तो 35-40% हो जाता है। और एकदम टॉप में जो दार्जिलिंग है वो भी मुस्लिम बहुत कम है, इसलिए 3 और 4 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दे तो शेष पश्चिम बंगाल में तो 35% आराम से हो जाता है। हाँ जी, ये पूरा नॉर्थ बिहार, फिर ईस्टर्न यूपी, फिर वेस्टर्न यूपी होकर और पाकिस्तान तक ये चला जाता है, द ग्रीन पैच। जगह जगह में और फतवा होता है, जगह जगह में इस्लामिक कोर्ट बैठता है और उनके वहाँ पर जो ऑर्डर दिया जाता है उसी का अमल में किया लिया जाता है। भारत की कानून और भारत की कोर्ट का कोई भी दखल मुस्लिम एरिया में नहीं होता है। मैं अभी अभी नॉर्थ बंगाल में मालदा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह में गया था, मालदा मैंने एकदम बिल्कुल देहाती रिमोट एरिया में, तो मैंने देखा हर 1 किलोमीटर के अंदर या 1.25 किलोमीटर के अंदर एक एक मॉस्क लगातार कंटिन्यूअस, ताकि एक जगह का माइक का आवाज़ से दूसरे जगह के तक पहुंचता है और कोई भी छोटा मोटा घटना होता है तो तुरंत तो मॉस्क के माइक से उसका सारे प्रचार किया जाता है और सरकार की कुछ भी इसमें कंट्रोल नहीं है। ये इनका नाम है इमरान अहमद हसन इमरान, ही इज़ एक्चुअली पाकिस्तानी, पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान बॉर्न। अब वो सिमी का फाउंडर प्रेसिडेंट, जो अभी बैंड ऑर्गेनाइजेशन है सिमी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, उसका ये फाउंडर प्रेसिडेंट था। बाद में सिमी बैन हो गया, उसने नाम बदल के SIO किया, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी रहा। अब इसको ममता बनर्जी ने राज्यसभा का MP किया, बनाया बनाई। अब बताइए सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। अब इनके खिलाफ एक मिनट बैक में, ये अभी एक जो 2 साल पहले 1913 में कैनिंग में एक बहुत बड़ा रायट हुआ था जिसमें पूरा 4 गांव को जला दिया गया, तो उसका कुछ फोटोज आई उसमें, ये इसने मैंने कम से कम 200 ट्रक से मॉब को भेजा, मुस्लिम मॉब को भेजा था, लेकिन उस पर कोई केस नहीं बना। उस पर केस बनाने के लिए हम लगातार हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हम लड़ रहे हैं उस पर केस बनाने के लिए। ये बर्धमान ब्लास्ट, ये हावड़ा जिला में गांव में महिलाओं पर बहुत जबरदस्त, ये काफी पुराने से 2009 का ये होगा, ये बहुत अत्याचार हुआ था एक छोटा सा झगड़ा को लेकर। ये दूसरी का है, पूरा ले जाइए। हाँ, ये 2012 फरवरी में हुआ था, एक पॉलिटिकल मर्डर को लेकर के 2 हिंदू का गांव रूपनगर तारानगर 2 गांव किस तरह जला दिया गया। कभी कभी आपको सारे फोटोज देखने में लगेगा कि एक ही फोटो का रिपीट हो रहा है, लेकिन एक ही फोटो का नहीं, हर एक गांव में एक पैटर्न उनके एक ही है, पेट्रोल से डीजल से घरों को जला देना,
जो राइस का बाउल रहता है ना, बड़ा बाउल, उसको जलाना, पहले तो लूटना उसके बाद जलाना। देखिए इसको मैं लार्ज स्केल वायलेंस कहता हूँ, पूरे गांव को लूटना और उसके बाद जलाना और पुलिस खड़ा रहना। ये 2010 की दे गंगा, ये आपको विकिपीडिया में भी मिलेगा। दे गंगा इतना नाम अगर याद रखे तो विकिपीडिया में जाएंगे तो आपको मिलेगा, गूगल में भी मिलेगा। देखिए इस तरह आग लगाते हैं ना कि पेड़ का पत्ता तक जल जाता है। एक प्रोटेस्ट था देवंगा का, देखिए पूरा घर जला दिया पेड़ का। देखिए पेड़ का सारे पत्तल तक जल जाता है ऊपर तक। इस पर इसके इस तरह की घटना के बाद घर लोगों का इस तरह हालत हो जाता है जी, क्योंकि देखते हैं कि कोई भी प्रतिकार नहीं है, अपने लोग, अपने मर्द पुरुष वो भी कुछ कर नहीं सकता, फिर महिलाओं का इस तरह एक टोटल हेल्पलेसनेस बन जाता है। अरे घरों में भगवान रहते, छोटा छोटा मंदिर रहते, मंदिरों को जला देना, तोड़ना, भगवान का प्रतिमा है, मूर्ति है। ये था जो वीविंग तांत कहता है, जो हाथों में जो वीविंग होता है ना, ये समुद्र गढ़ में हुआ था वर्धमान जिले में, अभी 20 साल की घटना है। तो एक एक घर में 8-10 करके जो वीविंग है तांत को क्या बताए, ये सब जला दिया और लूट ली, पहले लूट ली उसके बाद जलाया। साड़ी, अच्छे साड़ी पूरा बोरा का बोरा ले गया, उसके बाद जलाया। ये सारे घटना इसी 2015 में कम से कम 6-8 इस तरह घटना हो गया, और यहाँ पर काफी जगह में किलिंग भी हुआ। ये 10 ट्राइबल फैमिली था, उनका जमीन कब्जा करने के लिए वो ट्रैक्टर लेकर आए एक मुसलमान, और पूरा सबका 10-10 का घर बिल्कुल मिट्टी में एक कर दिया, ध्वस्त कर दिया। 10 ट्राइबल फैमिली है इसमें। ध्वस्त करके जला दिया। हम जाते हैं थोड़ा बहुत रिलीफ देते हैं, लेकिन रिलीफ देना हमारे मुख्य काम नहीं है, एक रेजिस्टेंस निर्माण करनी है हमारे मुख्य काम है। ये कुछ मारवाड़ी संस्था है, वो भी हमें मदद करते हैं, वो सेवा कार्य करना चाहते हैं तो हम उस तरह जाए, हम केवल गरीब एरिया में नहीं ले जाते, जहाँ पर अत्याचार हुआ है वहाँ पर हम ले जाते हैं उनको। चावल वगैरह सब कुछ दे रहे हैं, चावल, आटा, कपड़े। इस लड़की का नाम था सिरीन सुल्ताना, वो लड़की अभी उसका नाम है स्नेहा नस्कर, हिंदू लड़का से शादी किया, और इस तरह हमने 200 लड़कियों का हमको हमने हिंदू बनाया, और ज़्यादातर मुझे पिताजी कहते हैं, कुछ लोग अंकल और भैया कहते हैं, कहती है। ओके हमारा वेबसाइट है hindusamhati.net NET, और उसमें कुछ हेड्स है, उसमें जाएंगे तो न्यूज़ है, कुछ आर्टिकल्स है, फोटो गैलरी फोटोज है, वीडियोज है,
उसमें जाने से आपको ये सब मिलेगा, ठीक। और दूसरा स्लाइड भी, दूसरा जो है पावर पॉइंट सत्ता जी और सोपटिक ने बनाया, उसको भी थोड़ा सा बता दीजिए। इसके बारे में विदेशों में अवार्डनेस है, टुकटुकी मंडल नाम का लड़की का जब अपहरण हुआ तो वहाँ से शुरू हुआ और लोगों ने इसको खूब प्रचार भी किया, लेकिन मेरे लिए रोजाना विषय है, रोज ऐसा हमें करना पड़ता है। नहीं, इसमें हमारे न्यूजर्सी के सत्ता जी ने इसको बनाया कि इस तरह घटना में हम विदेशों में जो बसे हुए बंधु है, भारत के बंधु है, वो क्या कर सकते, इसके बारे में उन्होंने थोड़ा सा फोकस किया। और इसको मैं एक बात, कभी कभी लोगों को लगता है कि भाई तुम तो फिर भी 70% हो। अभी जो 70% ए पीपल लिविंग इन ए डिस्ट्रिक्ट वेयर दे आर इन 30%, दे कैनॉट फील दैट वी आर 70% इन वेस्ट बंगाल, लाइक द डिस्ट्रिक्ट इन मुर्शिदाबाद where from the where Sirajuddola was, from that time it is Hindu minority district. So Hindu living in Murshidabad district cannot feel that in Bengal we are 70%, because Hindus thinking are very much localized. Even in a village, if they are minority, but in the sarpanch they are in majority. Even then the Hindus think, though, no, here we are in minority, and you cannot deny this mentality, and therefore psychologically they are weak and they tolerate the atrocities. And what I tried to give a call, to give a message, that we should not tolerate all these discriminations and atrocities. We have to resist it. Our political leaders failed. At the time of partition, there was leaders like Gandhi, Nehru, Patel. Even then, they could not resist. They could not stop the partition. And now the leaders are much more weak than those leaders. Of course, I think Modi ji is exception. But Modi ji is one-year phenomenon, na? At the national level. Before that, I say the leaders you cannot compare with Gandhi, Nehru, Patel, Subhas Bose, etc. But even they could not stop the partition, they could not stop Hindus being refugees. Now these petty leaders, will they stop this? So therefore you have to protect yourselves, and this is the teaching of our dharma in the war of Mahabharata. Sri Krishna did not took weapon in his hand. Why? There was only one lesson for the entire humanity. Ki tumhara kaam tumko karna padega, tumhara ladhai tumhe ladna padega. Dekhi, Shishupal ne jab Bhagwan Krishna ko itna bar apman kiya, aur jab 100 bar pura hua, to Krishna Bhagwan ne swayam chakra chalaya. तो अर्जुन को नहीं बोला, भीम को नहीं बोला कि मार इसको। तो भगवान कृष्ण पर जिसने टॉर्चर किया, उनका परिवार पर टॉर्चर किया, कंस को मारने खुद गए, पांडव को नहीं बुलाया। लेकिन पांडवों का जब राज्य का रिकवर करना था, तब अपने हथियार नहीं उठाए। हम ये दो लेशन हमारे युवाओं को हम देते हैं कि कुरुक्षेत्र का लड़ाई का ये लेसन है कि तुम्हारा चीज तुम्हें रिकवर करना है या तुम्हें कुछ पाना है, चाहे इज्जत हो चाहे प्रॉपर्टी हो, उसके लिए भगवान का नाम तुम कितना भी ले लो, भगवान तुम्हें मदद नहीं करेंगे, तुमको खुद लड़ना पड़ेगा। और इसी सीख देने के लिए भगवान कृष्ण ने महाभारत के कुरुक्षेत्र की लड़ाई में अपने हथियार नहीं उठाए। और दूसरा लेसन कि कृष्ण का बहुत प्यारे थे अर्जुन, उस अर्जुन का पुत्र का हत्या हुआ,
और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पुत्र शोक से नहीं बचाया। तुमने दिन में 4 बार या 40 बार भगवान का नाम लेते हो, तो क्या तुम अर्जुन से भी भगवान के प्यारे हो गए क्या? भगवान अगर अर्जुन को अपने पुत्र शोक से नहीं बचाया तो तुम्हारा डेंजर में तुमको अगर बचाएंगे? ये भगवान की शिक्षा नहीं है। भगवान की शिक्षा है कि तुम्हें तुमको अपना काम अपना करना पड़ेगा। हमारे पूर्वजों ने नहीं किया इसलिए जमीन धरती खोया, और वो इतिहास अभी भी चालू है। देश स्वतंत्र होने का 43 साल बाद, आफ्टर 43 ईयर्स ऑफ आवर पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, द कश्मीर बिकेम हिंदू लेस विथ आवर द एंटायर फोर्ज ऑफ 1.3 million. We could protect the land of Kashmir, but we could not give security to the Hindus in Kashmir, in that land. इसलिए दूसरे की तरफ मत देखो, अपना लड़ाई अपना लड़ना पड़ेगा। और दूसरा अभिमन्यु जैसा तुम्हें मूल्य देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। You have to pay. ये दो लेशन हम हमारे बच्चों को हम सिखाते हैं, और हम हिंदू युवाओं को इस बार जब ये एक सेपरेटिस्ट और डिविसिव कोई प्रयास होगा उस समय इस बार बिना लड़े छोड़ दे और रिफ्यूजी बने, इसका रिपीटेशन ना हो, यही हमारे मेन फोकस है। सरस्वती मंडल एक लड़की है, उसका किस तरह नहीं, उसका वीडियो भी है इसमें, वीडियो में दिखता है क्या थोड़ा दिखाइए, उसका आवाज अगर आता है तो। ये मुर्शिदाबाद जिला का है, एक मेला था, मेला में गई थी, इस लड़की को जबरदस्ती पकड़ के उसको मुंह बंद करके दोनों का बीच में ये करके मोटरसाइकिल में ले गया था। जगह में ले जाकर उसको घुमाया और उसके साथ बलात्कार किया। देखे तो योर राइट लोअर साइड,
इस लड़की को हमने रेस्क्यू भी किया, उसके बाद में उसका शादी भी हो गया और एस्टैब्लिश है। ये ऊपर वाले लड़की, इसका भी शादी हो गया, ये एस्टैब्लिश है। कुछ समय छिपा के करते हैं, कुछ समय कह के करते हैं, इस तरह चलते रहते हैं। एक्चुअली जो लड़की को ट्रैफिकिंग हो जाता है उसका ज़्यादा रिपोर्टिंग हमारे पास आते नहीं है, क्योंकि लेकिन जो है पेरेंट्स का, फैमिली का नॉलेज में है कि वहाँ पर हमारी बेटी है, फिर वो हमारे पास पहुँचता है कि उसको कैसा रेस्क्यू किया जाए, कैसे उसको लाया जाए, फिर उसको हम ज़्यादातर हम वापस लाने में कोशिश करते हैं, और कभी सफलता मिलता है, कभी फेल हो जाते हैं, नहीं ले ला पाते हैं। ये तो आपके यहीं पर, ये शायद न्यूयॉर्क में के था, जगह जगह में टुकटुकी का केस लेकर बहुत जगह जगह में, शायद अमेरिका में कोई 7-8 शहरों में डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, एक लंदन में हुआ, तो इसका काफ़ी हमें इफेक्टिव हुआ ये सारे, हमको अभी वहाँ के शासन ने सीरियसली लेने लगी। चलो भैया, कि हमारे लोगों ने वो कानून तोड़ो ये किया था एक बार, लॉ ब्रेकिंग किया था इसी केस को लेकर। कलकत्ते में हुआ था, बीजेपी ने भी 5 दिन तक धरना दिया था उसी मगराहाट पुलिस स्टेशन के सामने। ये शायद रूपा गांगुली है, जारी के लिए और इसमें NCW आई थी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उसका चेयरपर्सन अभी ललिता कुमार मंगलम है, वो खुद आए थी, और वो जिस दिन आए उस दिन टुकटुकी को, क्योंकि पुलिस को तो सारे नॉलेज में था, पुलिस तो उनके साथ मैंने इन लियाज़ो, सीधी बात है, तो पुलिस उस दिन उसका एक किया, प्रेजेंट किया, जिस दिन ललिता कुमार मंगलम उनके गांव में विजिट किया। ये 3 दिन या 4 दिन में इसको हमने एक किया। ममता तो शुरू से ही, आपको शायद याद होगा कि NDA 1 सरकार में ममता बनर्जी वॉज वेरी इम्पोर्टेंट मिनिस्टर, सी वॉज रेलवे मिनिस्टर, और यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ममता बनर्जी के घर गए थे, उनका माता जी को चरण छू के प्रणाम किया था। उसके बाद भी ममता बनर्जी ने सरकार छोड़ दिया था, आपको याद है NDA सरकार, क्योंकि उसके बाद उनका इलेक्शन, स्टेट में इलेक्शन था, तो मुस्लिम वोट के लिए उस केंद्र का मिनिस्ट्री भी छोड़ दिया। तो ये तो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग सी वॉज मच डिपेंडेड अपन द मुस्लिम वोट। वो लड़की जिस दिन जुवेनाइल होम, पहले तो पुलिस उसको रिकवर किया, फिर उसको जुवेनाइल होम में भेजा किसी NGO का, फिर वहाँ से फिर जब हम ये करके लाए उस दिन को पटाए। ये मेरा ही कमरे का फोटो है, ये जी
हम जो करते हैं कि कहीं पर भी, क्योंकि ये घटनाएं तो रेगुलर हो रहा है, रेगुलर, तो सभी जगह में हम, हमारे उतना बड़ा मैन पावर नहीं है कि सभी जगह में हम पहुँचे, फिर भी ज़्यादातर जगह में, विशेष करके दक्षिण बंगाल में, अभी तो नॉर्थ बंगाल में भी शुरू हो गया, वहाँ पर हम पहुँचते हैं, यानी वहाँ का हमारे लोकल में, जहाँ पर मान लीजिए 5 किलोमीटर दूर पे, 10 मील दूर पे हमारे जो यूनिट्स है, ये जो वर्कर्स है, वो घटना स्थल में पहुँचता है। और पहुँचने के बाद पहले तो एक घटना का उसका रिपोर्टिंग लेते हैं, कुछ संभव है तो फोटो वगैरह लेते हैं, और उसके बाद ये समझने के लिए कोशिश करते हैं कि यहाँ का लोग जो पिट गए या अत्याचारित हो गए, उसके बाद क्या लोग केवल रो रहे हैं, या तो कुछ इसका प्रतिकार करने के लिए उनके मन में कुछ थोड़ा सा इंडिकेशन है। अगर उनके मन में इसका प्रतिकार करने के लिए थोड़ा सा हिम्मत दिखता है, उसका भी थोड़ा सा निशाना भी दिखता है, तो फिर उनसे हम संपर्क करते हैं, और उस संपर्क करके उनको किस तरह पावरफुल किया जाए, उसको किस तरह एम्पावर किया जाए, किस तरह इंस्पायर किया जाए, ये हम उसका कोशिश करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग है, कुछ फिजिकल ट्रेनिंग करो, कुछ हथियार का ट्रेनिंग करो, या कुछ जूडो कराटे का ट्रेनिंग करो, इस तरह हम बिल्कुल इसमें हम नहीं जाते हैं, क्योंकि हम जो सोचते हैं कि जिनसे हमारी प्रॉब्लम्स आए उनको कहाँ ट्रेनिंग मिलता है, क्या मस्जिद में कोई फिजिकल ट्रेनिंग मिलता है, क्या मद्रासा में कोई फिजिकल ट्रेनिंग मिलता है? नहीं जी, जो टेररिज्म का ट्रेनिंग हो तो कुछ अलग है, वो सीक्रेट है, वो कुछ जगह में वो तो ज़रूर होता है, परंतु एक बहुत ही, हो सकता है कि आप लोगों को अजीब लगे कि यस देयर इज इस्लामिक टेररिज्म, बट इन आवर बंगाल द कॉमन पीपल आर नॉट फेसिंग प्रॉब्लम फ्रॉम दैट इस्लामिक टेररिज्म, दे आर वेरी लिमिटेड ग्रुप्स एंड लिमिटेड पर्सन्स ना, आवर बंगाली पीपल आर डिस्टर्ब बाई देयर नेबर्स, वेरी कॉमन पीपल, तो हु ट्रेन देम? एज फार एज आई कुड स्टडी दैट देयर इज ओनली मोटिवेशन एंड देयर इज ओनली प्रोवोकेशन, देयर फॉर दिस मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन इज रिक्वायर्ड, सो वी ट्राई टू मोटिवेट एंड इंस्पायर आवर यूथ्स that you should not tolerate these tortures, you should not tolerate this discrimination and atrocities, you have to resist it. We mainly try to inspire, motivate, and after that at many places classes have happened which I am not very comfortable to narrate those things, but in every confrontations or resistance there are casualties, some people get hurt, injured, and then police cases are lodged against our Hindu boys, against Muslim boys also cases are sometimes lodged, and some people get arrested, then we help those boys, if they are injured their treatment, if they are killed sometimes they are killed also their family support, if they are facing criminal cases, court cases, we took full responsibility, because the poor people mainly they give the fight, they give the resistance, and they cannot the earlier experience of the entire populace is whoever goes to face the attacks they have been slapped cases and few times going to court and coming back up and down to court, advocate every time demands 200 rupees, 500 rupees, 1000 rupees every time, if there is no debt also, and this time they are exhausted and they are totally they even have to sell their utensils, and then seeing that example, other boys, the courageous boys from the poor families, they don't dare to go ahead and face the atrocities. And this thing we have changed. Now the boys know that if we fight, if we resist,
if the case, and there are cases, it will be astonished to know when a case is lodged against Muslims, there are only 5 accused. And when the case is lodged against Hindus, there are 30 accused. And these 30 boys have to get bail from courts. And each boy need at least 1,000 rupees, including the lawyer's fee and the bail bond. Average 1,000 rupees or more. And these things happen in police case. And these things we have to face. So now the boys know that if we fight, we will get every help after the incident. And therefore, these things raises their morale, their confidence hugely. And next time, they go to resist and fight. And now Hindu Sammati is a name which really Muslims are concerned and scared of. Because what Hindu Sammati did? Hindu Sammati did not supply arms to the boys. Hindu Sammati only raised the confidence level of those boys who are from our backward community or castes, who are poor, and they are very much courageous. I do not believe that Hindus are cowards. I do not believe that Bengali Hindus are cowards. This is very common use. But I am an activist, I am in field, I know that the majority of our Hindus, they are courageous, they are fighters, but they cannot make the social consensus. They cannot make the social decision. The people who are just the malai above the milk, they make the decisions not to fight, to compromise. And therefore, we are losing. I firmly believe that in any fight, in any real fight, Hindus cannot be defeated. But Hindus are defeated either before fight or after fight. Before fight, how? Hindus are demoralized. No, don't go. Nobody will help you. You will be defeated, you will be crushed. And they are demoralized. And after fight, coming to compromise table, peace, so-called peace meeting in the police station, and there Hindus have to compromise. No, give this land for them. Okay, for this area, you don't raise Harinam Haribol. So Hindus, always Hindus get defeated either before fight or after fight. In the fight, Hindus never get defeated. If you follow the Twitter, one India history or historics like that. Do you see, still today in UK, in England, they are giving recognition to the Indian soldiers of First World War. Have you noticed it? England is a grateful nation. Still they are giving recognition and honor to the Indian soldiers of First World War and Second World War. The Hindus are not coward, but Hindus leaders are coward. Today I had a radio interview with Karishma Radio. There I narrated that what is the difference between US and Bharat? The difference not in the people, but difference in the leadership. US got the leadership like Abraham Lincoln, who fought against his own people for the sake of principle, for the protection of boundary of his country. And we got the leadership, the so-called the worshipper of truth, Gandhi. He promised that his body has to be divided before dividing the country, and the country was divided and he remained intact. This is the difference between leadership. If we get a leadership like Abraham Lincoln, India will be the top nation in the world. Therefore, my firm belief is that Hindus are not cowards. I do not wish to go at length, but I personally studied, particularly in West Bengal and Bangladesh. I have a lot of experience in Bangladesh. I visited Bangladesh 8 times, and every time 20-25 days I
visited entire area. I personally studied. You many people may think, oh, Bengalis, they are very coward, very intellectual, they can sing and dance and make do drama, but they are, no, that is not the fact. Those are all the 10-15% of the higher section of the society. But I studied group wise, caste and sub. See, there is no varna now. There are only castes, caste and sub castes. And I studied very minutely these castes and sub castes. And I find that at least 6 castes among 10 are very courageous, like the Gwalas, Yadavs, like the fishermen. All they are very courageous. There are Bagdis, there are Domes, very courageous. But they cannot make any social decision. The social decisions are made by the higher section of the our society. They are coward. Therefore, I have full faith in our society, in our downtrodden society. Only if I can empower them, only if I can infuse them that confidence that you have to make the decision. You do not have to see upwards, what should you do? Not like that. Then the problem will be solved. This is my firm belief. I think it is a long speech. I should stop here. If you have any serious question, you can ask me. I shall try to respond.